सर एसटी डिल्यूशन का इशू लेके हम आज फिर से सड़कों पे आए। पार्लियामेंट पे एक बिल पास किया जा रहा है जिसपे जो ऐसी कम्युनिटीज़ को डाला जा रहा है जो ट्राइबल्स नहीं है, उस वजह से आज हमें सड़कों पे आना पड़ा। हम पहले भी आते रहे, पीसफुली आते रहे, लेकिन आज हम अपनी बकरियों को लेके, आप देख रहे हो, हम अपनी बकरियों को लेके यहाँ सड़कों पे आ गए। ये तो अभी हम सिर्फ एक ट्रेलर दिया है, जब हम सारी बकरियाँ लेके जितने 30 लाख पॉपुलेशन है ग्राउंड पे आ गई तो गवर्नमेंट का संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये मैसेज क्या जा रहा है, हम तो वही बोल रहे हैं, हम उनको एसटी मिलने के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि वो ट्राइबल नहीं है और वो ट्राइबल डिजर्व नहीं करते। अगर उनको आप RBA दे दो, PSP दे दो, OBC दे दो, कोई भी दे दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे ही कोटे के साथ छेड़खानी क्यों? हम जो हमेशा इस देश के लिए लड़ते रहे, हमारे जितने रिश्तेदार पुलिस पे हैं, आर्मी पे हैं, हम ही लोगों पे आप मुश्किल आ गए। 370 जब हटाया गया, यही गुजर कौम थी जो ताड़ियां मारी थी BJP के ऑफिस पे, और आज आपने हमें सड़कों पे लाके खड़ा कर दिया। देखिए साहब, जिसको आप बिल पास बोल रहे हैं, उसको बिल पास नहीं बोलूंगा। ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन चाहे अगर ये बिल पास हो भी जाता है, गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी है, अगर बिल पास हो जाता है, हमारी कौन के साथ नाइंसाफी है? आज सरकार बोल रही है कि हम आपके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे भाई साहब, हम आपका सेपरेट रखेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार को, मैं भी एक लॉ नोइंग पर्सन हूँ, अगर आप एसटी के दो पार्ट करके दे रहे हो, क्या सेंटर में भी आप दो एसटी रखोगे? नहीं रख पाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन नहीं हो सकती, फिर सरकार आज कैसे बोल रही है कि हम आपका सेपरेट करेंगे और उनका सेपरेट करेंगे, और वो भी अपर कास्ट के लोगों को ऐड किया जा रहा है जो इस रिजर्वेशन के लिए लायक नहीं है, जो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं। एक्चुअल जो पहाड़ी में लोग डिजर्व करते हैं वो लोग बहुत पीछे हैं सर। सरकार से गुजारिश है एक सर्वे करवा लिया जाए, देखिए ट्राइबल की जो कैटेगरी है, देखिए क्या सैयद, क्या मिर्जा, क्या मलिक, हमारे जितने भी ये लोग हैं, क्या ये फॉल करते हैं कैटेगरी के अंदर? साहब ये नहीं करते हैं। हमें 1991 में एसटी एक्ट दिया गया, वो एक्ट हमारी प्रोटेक्शन का एक्ट था। लेकिन मैं आपको कुछ दिनों की एग्जांपल देता हूँ। कुछ दिनों पहले आपने न्यूज़ सुनी होगी, हमारे पहाड़ी भाई है, उन्होंने हमें बोला कि भाई ये गुजर मुंह नहीं तोता, ठीक है। उसके बाद सुजाता बशीर जी हैं डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के स्पोक पर्सन, उन्होंने हमें गुजर गुजर करके बुलाया। दो दिन पहले की बात, हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, हमें दो दिन पहले बुलाया गया। इन सब चीज़ों के लिए, इन शाइनेस के लिए, इन सब के लिए हमें एक्ट दिया गया। बताइए आज हम वो एक्ट किसके ऊपर लगाएंगे? आज वो FIR किसके ऊपर लगेगी? मुझे सरकार बता दे। गुजारिश है सरकार से हमारा माहौल ना खराब किया जाए, हमारा पूरा अमन माहौल है, हम माहौल नहीं खराब करेंगे, हम ऑपरेशन करेंगे। ये कम्युनिटी वो कम्युनिटी है, चाहे गुजर हो, बकरवाल हो, पहाड़ी हो, कभी नहीं लड़ेंगे। लड़ाई रहेगी, कॉन्स्टिट्यूशन रहेगी सरकार से।